कुछ हमारी माताएं बहनें हैं, शाम को मिलने भी आती है कई बार, तो एक दो माताएं प्रश्न भी पूछ रही थी, उनको अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाया कि ये जो हम गौ माता के बारे में बोलते हैं कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, ये सभी के लिए ही मैं ये सूचना दूं कि ये कोई गौशाला नहीं है, क्योंकि गौशालाएं ब्रजधाम में बहुत सारी हैं और ठाकुर जी की कृपा से गौ रक्षा भी ब्रजवासी अपनी पूरी सामर्थ्यता से कर रहे हैं, किंतु ये जो है ये सिर्फ बीमार गौवंश के लिए हॉस्पिटल है। जैसे बहुत सारी गोमाताएं लोग आज ही आपके तो आपने तो पढ़ा ही होगा, आज भी आपके कोई यही फाटक पर आसपास ही कहीं एक ट्रेन के आगे गोमाता आ गई, वो तो खैर ठाकुर जी के पास चली गई, किंतु कई बार ऐसा होता है रोड पर ट्रक हुआ, गाड़ी हुई, कोई मार के चली जाती है, तो अब मालिक तो उसका कोई है नहीं, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब तक दूध देती है तो सब गौ माता दूध देना छोड़ा तो छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल लेते, तो फिर वो असहाय पड़ी होती है, फिर उस बीमारी को कोई भी फोन कॉल आता है, कोई आसपास के लोग सबके पास नंबर है, उनको पता है तो फोन करते हैं कि इस स्थान पर गौ माता कोई एक्सीडेंट से घायल, एम्बुलेंस जाती है वहां से लेके आती है, बीमार गाय को ठीक करती है, जब तक वो ठीक नहीं होती उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है, जब पूर्ण प्रकार से वो स्वस्थ होती है तो उनको आसपास गौशाला में फिर भेज दिया जाता है। तो यहाँ जो है सिर्फ बीमार गौवंश की सेवा है। आप अभी कहते ना कि जिस कार्य में आप लगते हो तब आपको पता चलता है, गौवंश को गौ माता को भी हर वो बीमारी होती है जो इंसानों को होती है। गौ माता को टीबी होता है, कैंसर होता है, अधिकतर गौ माताओं के सींग में कैंसर होता है, क्योंकि सींग में कोई गौवंश एक दूसरे से लड़ जाता है सींग से, तो उस सींग में कैंसर हो जाता है, और ये भयंकर बीमारी है, इसको ठीक हो तो जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी उसके लिए एहतियात बरतना पड़ता है, तो कैंसर भी होता है, टीबी भी होती है, अल्सर भी होता है, और साथ साथ में छोटी मोटी बीमारी, जुखाम होता है, बुखार होता है, ये सब बीमारी गौ माता को होती है। तो उनको इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे भारत देश में वेटरनरी हॉस्पिटल है जहाँ पशुओं के लिए इलाज किया जाता है, वहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं होती, मुश्किल से एक दो डॉक्टर बैठे होते हैं और कोई अच्छा इलाज होता नहीं, तो आधा गौवंश तो कोई कट्टी घर में जाके मारता, आधा गौवंश ऐसे ही रोड पर मर जाता, सिर्फ सही इलाज ना होने के कारण। हमको बीमारी हो तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा ले, गौ माता कहाँ जाएगी, और खासकर वो गौ माता जिसका कोई मालिक ना हो। इसके लिए ये हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया ब्रजधाम में, जितनी भी बीमार गौवंश है, अभी प्रारंभ हुआ है तो सुविधाएं बहुत तो नहीं है, किंतु इलाज प्रारंभ में है, और धीरे धीरे प्रभु कृपा से, जैसे जैसे प्रभु कृपा होती जा रही है, भक्तों का सहयोग मिलता जा रहा है, तो उस सेवा को भी बढ़ाया जा रहा है, और ऐसी आशा है कि एक समय ऐसा आए जब कोई भी व्रज में असहाय गौ माता, बीमार गौ माता न घूम, तो उसके लिए इस हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है।